हमारी बात करेंगे इकोनॉमी में सर, हम ट्रिपल बजट हमारी हो गई सर पिछले 10 सालों में। तो जायसवाल जी ये बातें रैलियों में क्यों नहीं बताते, रैलियों में गोत्र क्यों बताने लगते हैं? सर वो सारी बात ठीक है, लेकिन ये मत कहिए कि दूसरे जो है वो पोलराइज करते हैं और आप बहुत बड़े सेक्युलर हैं, ये मत कहिए क्योंकि इस पे यकीन नहीं होता लोगों को। बोले रोहित भाई, आपका सवाल ये था कि लोगों को बार बार इस तरह की राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ती है शरण की, तो मैं बताऊं आपको, ये भाजपा और टीएमसी एक ही है दोनों सिक्के के पहलू। हाँ हाँ, अब क्यों इनको सवाल ये करती है लोग, क्या और आप दूध के दूल्हे पड़ता है, पता है रोहित जी आपको, क्योंकि आज लोग इनसे सवाल करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, कि बताइए आपने विकास के लिए क्या किया। उनको बौखलाहट घबराहट उनसे नहीं है, उनको बौखलाहट घबराहट हमसे, ठीक है, हम एक अच्छा ऑप्शन बन के लोगों के सामने आ रहे हैं। सर वो सारी बात ठीक है, लेकिन ये मत कहिए कि दूसरे जो है मुसलमानों वो पोलराइज करते हैं और आप बहुत बड़े सेक्युलर हैं, ये मत कहिए क्योंकि इस पे यकीन नहीं होता लोगों को। बाकी सारी बात ठीक है, आप कहिए पेट्रोल डीजल के दाम, आप कहिए महंगाई, आप कहिए सड़क, आप कहिए बिजली, आप कहिए पानी, आप कहिए रोजगार, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये मत कहिए कि मैं सबसे बड़ा सेक्युलर हूँ, क्योंकि आपका भी रंग सबने देख रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका रंग पता नहीं। आपने गुजरात में हमारा रंग देखा ना सेक्युलर? अरे गुजरात से पहले आपका रंग देखा मैंने सर। रुको जरा, सबर करो, आप ही थे ना गणपति बप्पा मोरिया, गलती से बोल दिए थे तो माफी मंगवाई थी आपसे लोगों ने, आपकी पार्टी के, कि कैसे बोला जाके, इसलिए छोड़ देते हैं अपन इन सारी बातों पे जाएंगे, फिर पुराने पर्चे खुलेंगे आपके, आपके नेताओं के बयान भी इस देश के लोगों ने सुने। म्यूजिक सब झूठ रहे हैं ना हमारे साथ, आप खुद देखिए बीटीपी पार्टी के छोटू है, वसावा झूठ रहे हैं, राजस्थान झूठ रहे हैं, टीटी दिनाकरन साहब, मैं मना नहीं कर रहा इस बात से कि झूठ रहे हैं, तो मिसाल है इसीलिए सब झूठ रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस बात से, आपको हिंदू वोट चाहिए, उनको मुसलमान वोट चाहिए, इसलिए आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, ये मत बताइए कि आप बहुत बड़े सेक्युलर हैं, मौका परस्ती कहते हैं इसको सर, आप भी जानते हैं। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? रोहित जी देश का जो देश का युवा हो या देश का जो आम नागरिक है वो अभी बहुत जागरूक हो चुका है, इंटेलिजेंट हो चुका है, वो समझ गया है कि इस तरह की राजनीति में अब दम नहीं, अब जो हमारा अच्छा। काम करेगा उसके साथ जाएंगे, ठीक है, जो युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करेगा उसके साथ जाएंगे, जो डेवलपमेंट करेगा उसके साथ जाएंगे, और हमारा काम ही हमारी पहचान है, वर्क इज अवर आइडेंटिटी, हमारी पार्टी का मनोक्रम ही है, मैनिफेस्टो ही है, तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, ओके, जितने लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का विकास का काम हो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मैं अकेला ही चलाता रहा जा रही, मगर लोग बढ़ते गए, कारवा बढ़ता गया रोहित जी, ओके, बढ़ता जाएंगे पूरे देश के अंदर, फैलेंगे सब तरफ, ओके, और ये लोगों को करने दो इनकी राजनीति, देश के ओके धुतकार देगा, ठीक है, आप जायसवाल जी को सुन लेते ना, बड़े निशाने साधे आपने ममता दीदी पर, उनकी बात भी सुन लीजिए जरा, बोलिए महाराज, थोड़ा थक गया सर इनकी बातें सुन के, मस्त जोक महाराज, ये हंस रहे हलकट हंस, बोलिए आप वहाँ बोलने नहीं देते उनको, तो यहाँ तो बोलेंगे कम से कम, वहाँ तो आप लोग ना घुसने देना चाहते हैं, ना बोलने देना चाहते हैं, देश हमारा स्वतंत्र है तो हर जगह बोले, अरे लेकिन सर रहने दीजिए, कितनी स्वतंत्रता है वहाँ पता है लोगों को। Seven hours later. जहाँ तक बात है सर शिक्षा का, हमने मिड डे मील में 1,13,00,000 बच्चों को मिड डे मील के संचय में लाया है सर, हम लोगों की बात अगर करेंगे तो 70,00,000 बच्चियों को कन्याश्री प्रोवाइड करी है हमने, हमारी बात करेंगे इकोनॉमी में सर, हम ट्रिपल बजट हमारी हो गई सर पिछले 10 सालों में। तो जायसवाल जी ये बातें रैलियों में क्यों नहीं बताते, रैलियों में गोत्र क्यों बताने लगते हैं? सर टीसीएस में आने वाले 5 सालों में हम सबसे ज्यादा, रैलियों में गोत्र क्यों बताते हैं फिर, रैलियों में क्यों नहीं बताते, इतने बच्चों को मिड डे मील दिया, इतनी सड़क बना दी, इतना रोजगार दे दिया, इतने लोन बांट दिए, आपको तो पता ही नहीं है, ये बातें रैलियों में बताने के बजाय रैलियों में गोत्र क्यों आता है? हम घर घर जाके लोगों को बताया हमने, अच्छा ये घर घर पे बताते हैं, रैली में गोत्र बताते हैं।